हाय फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ प्रीपोजिशन। इसका मतलब होता है संबंध वाचक। प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं और उनका दूसरी चीज़ों से क्या संबंध है ये बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा अबाउट। अबाउट का मीनिंग होता है हिंदी में के बारे में, के संबंध में, के विषय में, के आसपास या लगभग, इस तरीके के सेंस में हम अबाउट का यूज़ करते हैं। लेते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। कृपया मुझे उसके बारे में बताओ। टेल मी, प्लीज़ टेल मी नो अबाउट हर। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता या इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस मैटर। आप हमारे बारे में क्या जानना चाहते हैं? व्हाट डू यू वॉन्ट टू नो अबाउट अस? के आसपास, इस तरीके के सेंस में भी हम अबाउट का यूज़ करते हैं। मैं आपके आसपास रह रहा हूँ। आई एम लिविंग अबाउट यू। मैंने उसे मंदिर के आसपास देखा। आई सॉ हिम अबाउट द टेम्पल। नेक्स्ट, लगभग के सेंस में भी हम अबाउट का यूज़ करते हैं। वह लगभग 5 बजे आएगा। ही विल कम अबाउट 5 o'clock। वे लगभग आने वाले हैं। दे आर अबाउट टू कम। नेक्स्ट, सलाह के सेंस में, यानी कि जब हम सलाह के सेंस में भी इसका यूज़ करते हैं, जब किसी को हम सलाह देते हैं, इस तरीके के सेंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। देखते हैं किस तरीके से। कोचिंग ज्वाइन करना कैसा रहेगा? जब हम किसी से सलाह ले रहे हैं कि यदि मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूँ तो कैसा रहेगा, वाट या हाउ, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। वाट या हाउ अबाउट ज्वाइनिंग द कोचिंग? वाट अबाउट ज्वाइनिंग द कोचिंग या हाउ अबाउट ज्वाइनिंग द कोचिंग, यानी कोचिंग ज्वाइन करना कैसा रहेगा। घूमने जाना कैसा रहेगा? वाट अबाउट गोइंग फॉर वॉकिंग या हाउ अबाउट गोइंग फॉर वॉकिंग? तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस तरीके से और भी मेरे वीडियो अच्छे लगेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मिलते हैं हम इस तरीके के और वीडियो में, इंटरेस्टेड वीडियो। जब तक के लिए बाय।